कामे मिठानी आज का हमारा जो टेन गोल्डन रूल्स में तीसरे नंबर का रूल है तीसरे नंबर का विनय है तीसरे नंबर का नियम है पहला नियम हमारा केवल समण संग में समर ही आ सकता है दूसरा किसी भी कार्य के लिए कभी भी पब्लिक से ना अब ना पहले और ना ही कभी बाद में चंदा ना लिया गया है ना लिया जाएगा ना कभी लिया है तीसरा है जाति अभ्यास कभी नहीं ये जाति जो अभ्यास कभी नहीं है इसका आज चर्चा करेंगे चौथा है केवल संघवाद यानी कि इसमें ना संगठनवाद होगा ना व्यक्तिवाद होगा ना प्रधानवाद होगा इसमें हमेशा केवल संघवाद होगा पांचवा है समण संघ में पद प्रतिष्ठा मंच माला कभी नहीं छठा है इसका रजिस्ट्रेशन या इसका खाता या बैंक अकाउंट कभी नहीं खुलेगा सातवां है जो संघ के आदेश हैं वो संघियों के लिए सबसे पहले और सबसे ऊपर होते हैं आठवां है संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा नौवां है संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं और दसवा नियम है कि उपरोक्त नौ विनय संघ का आधार है ये ना कभी बदले जाएंगे ना खत्म किए जाएंगे ना कभी अमान्य किए जाएंगे इसमें जो तीसरा नियम है आज जाति अभ्यास कभी नहीं ये जो जाति अभ्यास कभी नहीं है ये बुद्ध से पहले नहीं था और बुद्ध के समय भी नहीं था और बुद्ध के बाद अशोक के समय भी नहीं था और जब तक ये काल्पनिक किताबें नहीं आई काल्पनिक कहानियां नहीं आई तब तक भी कहीं भी किसी साहित्य में आज के समय जो जाति कास्ट सिस्टम जो चलता है भारत में जो भारत के लोगों को डिवाइड करता है छः टुकड़ों में छः हजार टुकड़ों के नाम से ऐसी प्रैक्टिस ऐसा अभ्यास पहले नहीं था इसलिए पूरे जो बाबा साहब के वॉल्यूम है और पूरी मेहनत करने के बाद पूरा सत्तर साल का जो पिछला इतिहास है वो देखने के बाद ये बात पता चली और समझ में आई कि हमारी जो परेशानी है और हमारा जो नुकसान है वो सबसे ज़्यादा इस छः हजार सात सौ तैतालीस नाम की जो जातियां हैं जो हमारे टुकड़े किए गए हैं इस जाति के नाम पे किसने किया है और उसके बाद जो उनतीस लाख और टुकड़े हुए हैं हमारे इन जातियों को जोड़ने के लिए जिनको संगठन बोलते हैं उनसे हुए हैं तो संगठन का जो खात्मा है वो तो संघवाद में जिस दिन आएगा उस दिन उसकी चर्चा करेंगे आज यहां जातिवाद की बात करेंगे और इसमें जो तीसरा नियम है उस जाति का मतलब केवल और केवल वही है जो छह हजार सात सौ तैतालीस जातियां संविधान के अंदर है और जिनकी लिस्ट बनी हुई है इसके अलावा पुराना जात पुराना जनन या पुरानी जाति से इसका कोई लेना देना नहीं है क्योंकि बुद्ध के समय से पहले का आप समझ लें कि जाति जो नाम था उस समय उसका मतलब क्या था दो नियम चलते हैं बल्कि जाति के तीन अर्थ चलते हैं और तीनों अर्थ समझने जरूरी हैं क्योंकि बुद्ध ने जो कहा है वो कहा है जाति दुखा जरा दुखा मरणन दुखा और व्याधि दुखा यानी कि उत्पत्ति उत्पन्न होना दुख है बूढ़ा होना दुख है बीमार होना दुख है और मरना दुख है ये चार दुख उन्होंने बताए इसमें जाति दुखा का मतलब वो जाति नहीं है जो छह हजार सात सौ तैतालीसों के नाम चलते हैं ये जाति जो उस समय उन्होंने कहा है ये उनके दर्शन में है यानी कि जो उनकी फिलॉसफी है जो उनका दर्शन है जो दर्शन है उसमें एक अहम शब्द है जाति और जाति के चौबीस ऐसे शब्द हैं जो संबंधित हैं और इसको जात भी बोला गया है ये जाति वो जाति है कि जैसे मैं अभी कुछ बोल रहा हूं और मेरे बोलने से ये किसी के मन में कोई द्वेष आ जाए या किसी के मन में मेरे प्रति राग आ जाए यानी किसी को लगे कि ये सुधीर जो बोलता है बोलता रहे और किसी को ये लगे कि अरे ये सुधीर क्यों फालतू में बोलता रहता है आधा आधा एक एक घंटा बोलता है ये बकवास करता है तो दोनों ही बातें उत्पत्ति में आती हैं जाति हो जाती है जाति का मतलब उत्पत्ति है जात हो जाती है उसके मन में दो बीज पड़ जाते हैं अलग अलग एक के मन में द्वेष का और एक के मन में राग का यानी एक के मन में चाहिए चाहिए सुधीर की बातें चाहिए चाहिए और एक के मन में सुधीर की बातें नहीं चाहिए नहीं चाहिए कभी नहीं चाहिए ये हर एक व्यक्ति पे अलग अलग डिपेंड करता है हर एक व्यक्ति की मनोवृत्ति अलग है कुछ व्यक्ति ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें ये उत्पत्ति खत्म हो जाती है बन जाती है खत्म हो जाती है बन जाती है यानी कभी ये बातें चाहिए कभी ये बातें नहीं चाहिए इसको सिस्टम तीन में बोला गया है तो यहां जो जाति का मतलब है वो दर्शन से और फिलोसफी से पुराने समय में है इसको जाति बुला करते थे पर जो मनुष्य पैदा होते थे पुराने समय में उनको जनन बोला करते थे जैसे आज भी कहते हैं प्रजनन जनन और जो पिता है उसको जनक बोलते हैं और माता को जननी बोलते हैं तो यानी जो हमारा जो बर्थ होता था जो जन्म होता था उसको जनन बोला करते थे जन्म भी बोलने लगे यानी कि जन और मन मिला के जन्म होता था यानी जन के मन के साथ में आया है मन के साथ में उत्पत्ति हुई है जन की तो जन जन्म बोला करते थे इसलिए यहां जो हम बात करेंगे कि जाति का अभ्यास नहीं ये बुद्ध की जाति नहीं है बुद्ध से पहले वाली जाति या जाति नहीं है वो वो आध्यात्मिक है सेल्फ एजुकेशन वाली है सेल्फ मेडिटेशन वाली है वो जात और जाति पूरी पूरी बुद्ध के दर्शन के ऊपर और बुद्ध का पूरा दर्शन पूरा दर्शन पूरी फिलोसफी इस जाति और जात शब्द पर टिकी हुई है इसलिए पूरे भारत में जात और जाति शब्द तो पहले से ही बहुत ज्यादा प्रमुख है और कास्ट सिस्टम जो जिसको बोलते हैं जिसको हेर आर की बोलते हैं जैसे यहां जो नाम बहुत सारी जातियों के ऐसा सिस्टम नहीं था किसी भी किताब और किसी भी जगह नहीं मिलता कुछ लोग कहते हैं कि जो बुद्ध थे उन्होंने तो भंगी को ज्ञान दिया और जो एक उपाली नाई था तो नाई को केस कपक बोलते हैं यानी केस को काटने वाला केस कपक बोलते हैं नाई कोई शब्द ही नहीं है पाली के अंदर और जो भंगी शब्द है जो भंग शब्द है वो भंग ज्ञान में आता है जब आप नौवें दिन व्यवस्था में बैठेंगे तो वहां आपको समझ में आएगा कि भंग ज्ञान कौन सी अवस्था है जो उस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं उनको भंगी बोला करते थे और बुद्ध सबसे पहले भंगी थे क्योंकि उन्होंने सबसे पहले अपने शरीर का भंजक यानी भंग ज्ञान किया और भंग ज्ञान सीखा ऐसे सारे भिक्षुओं को भंगी बोला जाता था क्योंकि वो भंग ज्ञान के सारे के सारे मास्टर हुआ करते थे और जो महिलाएं भंग ज्ञान जान लेती थी उनको भंगन बोलते थे तो ये स्पष्ट सी बात है कि बुद्ध के साहित्य में अगर दो नाम आते हैं तो मैच कर जाते हैं आज के समय पर वो जाति के नाम किसी हालत में है नहीं तो जाति का अभ्यास क्यों नहीं करते यानी गोल्डन रूल के अंदर रूल नंबर तीन है ये क्यों आया है कि जाति का अभ्यास बिल्कुल यहां मना है नहीं कर सकते कोई आदमी ये कहे कि मैं अब एक सामाजिक काम करता हूं कि अब लोगों को शराब नहीं पीनी चाहिए सामाजिक काम है अच्छा काम है और वो शाम को अपने यहां सबको बुला के बोतल खोल शराब पिलाए तो सामाजिक काम क्या हुआ सामाजिक काम का तो बेड़ा गर्क हो गया उल्टा हो गया इससे तो बेहतर था कि वो सामाजिक काम ना करता ज्यादा अच्छा था शराब खाना खोल लेता ज्यादा अच्छा था कम से कम समाज सा, के अंदर ये इज्जत तो रहती कि बुरा काम करता है पर सुबह को ये कहे कि मैं शराब ना पीने का पूरा पूरा सामाजिक काम कर रहा हूं और शाम को शराब पिला फिल, रहा है तो लोग कहते हैं कि ये आदमी शैतान है ये आदमी अच्छा नहीं है ये आदमी कहता कुछ है करता कुछ है ये गंदा आदमी है तो गंदे आदमी की छाप उससे ज्यादा बुरी है जो शराब का व्यापार करता है काम दोनों ही बुरे हैं ठीक वैसे ही अगर कोई ये कहे कि मैं संगी हूं मैं समर्ण संगी हूं और उससे भी बढ़कर कोई ये कहे कि हम पुराने समण संगी हैं हम संगी हैं पुराने और हम जनजात जात हैं यानी कि जब से हमारी उत्पत्ति हुई है शरीर की जनन हुआ है तब से हम संगी हैं और मां के पेट से हम संगी हैं और वही बात वही आदमी जाति का अभ्यास करे और जाति का अभ्यास करके समाज के टुकड़ों के होने की मोहर लगाए और ये कहे कि मेरी जाति ये और तेरी जाति ये और समाज को तोड़े तो संघ कहां बना फिर फिर तो वहां जातियां हैं वहां टुकड़े हैं और अगर टुकड़े हैं तो फिर लोग जो बैठेंगे वो संगी कहाँ हुए इसलिए अगर जाति का अभ्यास करेगा तो संगी नहीं हो सकता और अगर संगी है तो जाति का अभ्यास नहीं कर सकता दो में से एक चीज रखनी पड़ सकती है ऐसा नहीं हो सकता कि वो जाति का अभ्यास करके समाज के टुकड़े करे संघ के टुकड़े भी करे और अपने आप को फिर संघी भी करे इसलिए जाति का अभ्यास समर संघ के लिए बिल्कुल जहर है कोई व्यक्ति अगर जाति का अभ्यास करता है तो वो जिंदगी में भी संघी नहीं बन सकता और जो संघी है वो जाति का अभ्यास कभी करेगा नहीं जाति का अभ्यास तो बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि छह है अगर उसका कोई ऐसा सिस्टम है जहां उसको भेद होता है उसका जैसे कोई क्षेत्रवाद है वो कहे जी मैं यूपी का हूं मैं महाराष्ट्र का हूं मैं राजस्थान का हूं मैं फलाना हूं और उसको अपने क्षेत्रवाद पे अभिमान है जगह नाम पता बताए ठीक है पर वो ये कहे कि हमारा प्रदेश तुम्हारे प्रदेश से अच्छा है तुम्हारा जो प्रदेश है तुम तो वहां क्यों बेकार है या कोई जिले वाद पर आ जाए कि, कि किसी एक प्रदेश का हो और एक जिले के आदमी को खराब कहे और दूसरे जिले को या किसी इसी भेद में आ जाए कि पूर्व वाले लोग ऐसे हैं और पश्चिम वाले लोग ऐसे हैं या इस भेद पे आ जाए कि उनकी भाषा ऐसी और मेरी भाषा ऐसी है या इस भेद पे आ जाए कि उनका खाना पीना ऐसा है और मेरा खाना पीना रहन सहन ऐसा है या इस भेद पे आ जाए कि उनका रंग रूप ऐसा है और मेरा रंग रूप ऐसा है ये सारे के सारे जितने भी भेद हैं ये सब जाति के उत्पत्ति के भेद हैं यानी कि ये पैदा होती जो बीमारी आई हुई है किसी भी तरह की हो सकती है ये सारी की सारी जाति भेद में आती है इसलिए किसी भी तरह की प्रैक्टिस करना पूरी तरह से बैन है पूरी तरह से मना है बुद्ध के संग में नाम भी खत्म कर दिए गए यानी कि भिक्षुओं को तो इतनी ज्यादा इंस्ट्रक्शन थी कि वो अपने पास में अपना नाम भी नहीं रख सकते जो नाम उनके माँ बाप ने दिया और जो मान नाम से पूरी दुनिया जानती है वो भी खत्म कर दिया रूप रंग भी खत्म कर दिया सबके बाल काट दिए आईब्रो काट दी सबकी मुझ दाढ़ी काट दी शरीर के सारे बाल नोच नोच के निकाल दिए और रोज ऐसा होता था ऐसा नहीं कि एक दिन के लिए जैसे आजकल बहुत सारे लोग हैं जो गंजे हो जाते हैं फिर वो एक, -एक इंच के बाल हो जाते हैं फिर उनको घूमते रहते हैं डेली डेली उनको साफ करने पड़ते थे ये उनके क्रियाकलाप में था और नाम तक खत्म हो जाते थे नाम भी जो संघ देता था वो नाम उनको मिलता था और वही नाम लेना है और वो नाम भी आगे खत्म हो जाता था और वो जो भिक्कू थे वो इतने टेंट थे कि वो आपस में भी ये भी बात नहीं करते थे कि तेरी माँ का नाम क्या तेरे पिताजी का नाम क्या तू कहाँ का कैसे क्या नाम क्या पता कुछ नहीं सिर्फ एक चीज याद रहती थी कि ये हमसे ज्यादा बड़ा भिक्कू है क्योंकि ये पहले आ गया इसको नमस्कार करना है और जो भिक्कू हमारे बाद आया है वो हमें नमस्कार करेगा उसका हमें नमस्कार लेना है नमस्कार लेना है ये बात उनको याद रहती थी, थी कि हमें अपने नीचे वाले जो भिक्खु हैं जो अभी अभी आए हैं उनको पढ़ाना है और जो आगे भिक्कू हैं उनसे हमें पढ़ना है ये सीनेटी हमेशा बनी रहती थी, थी एक दूसरे की पहचान की और बाकी एक दूसरे को प्रणाम करने के नियम थे मगर कहते सारे के सारे एक दूसरे को भनते ही थे यानी कि कोई भी आदमी भनते के अलावा कुछ नहीं कह सकता था बस इतना कहते थे ये बड़े भनते हैं और ये छोटे भनते हैं यानी कि ये काम करने में बड़े हैं बड़े उम्र से नहीं बड़े काम करने में बड़े हैं पहले आए हैं ज्यादा काम करते हैं और हम छोटे काम के भनते हैं क्योंकि हमने काम अभी कम किया है काम का सिर्फ बंटवारा था काम का वहां से वर्गीकरण था उम्र का रूप का रंग का नाम का बिल्कुल नहीं होता था इसलिए समर संघ का ये जो गोल्डन रूल नंबर तीन है ये गोल्डन रूल नंबर तीन आपको सब सबको सच में संगी बना देगा इसलिए अगर कोई खुलेआम जाति प्रैक्टिस करता है तो उसको तुरंत स्टॉप कर देना चाहिए चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी है कितना भी पावरफुल है चाहे बेशक संघ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है पर अगर वो संघ में जातिवाद लेके आता है तो फिर संघ खत्म हो जाएगा तो इसलिए संघ से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो हो नहीं सकता संघ से ज्यादा महत्वपूर्ण तो हो नहीं सकता इसलिए उस व्यक्ति को समझाना चाहिए बताना चाहिए और अगर मैसेज गलत चला गया है तो उस मैसेज को तुरंत ठीक करना चाहिए संघ का नियम अगर कहीं भी आपको लगता है कि गोल्डन रूल रूल टूटा थूर है तो हर एक के पास ये राइट है हर एक संघी के पास ये राइट है कि वो टोके और उसको टोकना चाहिए वो इन ये इंतजार ना करे कि कोई वहां माइक पर होगा तो वही टोकेगा जहां है वहीं से खड़े होकर टोकना चाहिए ये हमारा गोल्डन रूल टूटा है आप इसके बारे में क्या कहते हो क्या आपने किया है या जो वहां लोग हैं उनको कहना चाहिए कि ये गोल्डन रूल टूटा है इसके बारे में संज्ञान लें इसके बारे में बात करें क्योंकि तो सारे के सारे जो गोल्डन रूल है अगर एक भी टूटेगा तो संघ खत्म हो जाएगा ये संघ के आधार स्तंभ है ऐसा नहीं है कि ये दस के दस जो नियम है इनमें से अगर दो नियम इधर उधर हो जाए तो भी संघ चलता रहेगा संघ नहीं चल सकता ये नियम तेरह महीने की बहुत कड़ी मेहनत के बाद में और बहुत सोच विचार के बाद में हाउस ने बनाए हैं और हाउस ने पास पास किए और हाउस ने इस पर बड़ी बहस की है और लगातार लगातार इन पर काम चल रहा है इसलिए कोई भी व्यक्ति जात की प्रैक्टिस या जात का नाम पूरी तरह से खत्म कर दे अपने मन से खत्म कर दे अभ्यास करता रहेगा तो मन से खत्म हो जाएगा अभ्यास करता रहेगा तो धीरे धीरे प्रैक्टिस में खत्म हो जाएगा अभ्यास करता रहेगा तो बच्चों में खत्म हो जाएगा और अभ्यास करता रहेगा तो पूरा संगी बन जाएगा और सारी चीजें पूरी तरह से ठीक हो जाएगी इसलिए आपने देखा होगा कि बाबा साहब ने जो किताब सबसे इंपॉर्टेंट बाबा साहब की है वो ऑफ कास्ट है यानी जाति का बीज नाश वो इसी जाति की बात करते हैं बीज नाश करना है तो जाति का बीज नाश कैसे करोगे क्योंकि जाति तो कहीं दिखाई देती नहीं है आप पूरी दुनिया में किसी भी व्यक्ति से पूछोगे जो भारत में रहता है या भारत का वित्तीय बाहर है कि भाई तू दिखा तेरी जाति क्या है और कैसी जाति है इसका रंग दिखा इसका रूप दिखा ये क्या खाती है क्या पीती है इसका रंग दिखा ये कितनी बड़ी है दो मीटर बड़ी है या कितनी भारी है दो किलो भारी है या ये कितना बड़ा डब्बे में आ सकती है या घर में आ सकती है और जो दूसरी वाली जाति है वो इससे कितनी बड़ी है कितनी छोटी है फिर उससे ये पूछोगे ये तो ये जाति ये किसने बनाई है कहाँ से लाया है पहली जाति कब बनी किसने बनाई क्या पर्पज था क्या उद्देश्य था किसने बनी ये जाति कैसे करती है इसका काम करने का जो तरीका है जो उसके गुण दोष है वो किसने बनाए कब बनाए क्यों बनाए उनका उद्देश्य क्या था उन लोगों के नाम क्या थे उनकी उन्होंने पब्लिश कहाँ कराए बनी कहाँ छपी कहाँ प्रचार कहाँ हुआ और ये जो जाति के जो नाम है इनके अर्थ क्या है तो आप पाओगे कि इनमें से कोई भी प्रश्न का जवाब नहीं मिलेगा आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा बाबा साहब की किताब में भी जाति की जो प्रैक्टिस है उस प्रैक्टिस के जो लाभ और हानि है उनके बारे में बात हुई है और बाबा साहब ने बताया है कि इसकी उत्पत्ति मन से है मन से पैदा होती है ये जमीन पर या किताब पर कहीं नहीं है एक्चुअल में कहीं नहीं है इसलिए मन में अगर कोई रखता है तो तो ये जाती है और अगर मन से निकाल देता है तो नहीं है इसका सीधा सा उदाहरण ये है कि अगर ये पूरी दुनिया में होती तो हर व्यक्ति के पास होती साढ़े सात अरब लोग हैं सबके पास होती पर सबके पास नहीं है भारत के लोगों के ही है क्योंकि यहाँ अभ्यास कराया जाता है या प्रैक्टिस कराई जाती है यहाँ बच्चा पैदा होते ही उसके कान में हमारे खुद के जो माता पिता जो है वही कहते रहते हैं अरे वो जाति से बड़ा है अरे वो छोटा है अरे वो ऐसा है वो माइंड में डालते हैं क्योंकि तो उनके माइंड में चली आ रही है पहले से तो वो अभ्यास करते आ रहे हैं वो प्रैक्टिस करते आ रहे हैं और वही प्रैक्टिस करके और वही अभ्यास करके हमारे छोटे से बच्चों के माइंड में डाल देते हैं और हमारे छोटे से बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और माता पिता बनते हैं, तो उसी अभ्यास को फिर मन से ट्रांसफर कर करके दूसरे बच्चे में डाल देते हैं ऐसे ही स्ट्रांग होती चली जाती है पर बाबा साहब ने जब ये बता दिया कि ये मन से होती है तो हमें चैन तोड़ने के लिए एक जो पीढ़ी है वो सिर्फ इसको मानना बंद कर दे इसकी प्रैक्टिस बंद कर दे दूसरी पीढ़ी में ये जाएगी नहीं ये ठीक ऐसे है जैसे खेत के जब जब खेत हमारा गेहूं का पक जाता है और वो सुनहरा हो जाता है और खेत में कभी आग लग जाए तो खेत के जो किसान है वो सबसे पहले क्या करते हैं वो एक ट्रैक्टर लेके आते हैं हैरो का और बीच में से अपने खेत को चीर के उसको जोत तो देते हैं इसे जोतने से क्या होता है कि जो खड़ी फसल है उसकी जगह मट्टी आ जाती है और बीच में एक जगह बन जाती है और आग दूसरी फसल में ट्रांसफर नहीं होती ठीक वैसे ही हमको जो हमारी पीढ़ी जानकार है जो संगी पीढ़ी है जो समझ गई है बाबा साहब की बात भी और बुद्ध की बात भी और कबीर साहब की बात भी अपने महापुरुषों की बात भी उस पीढ़ी को इसका अभ्यास पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए चाहे कितना ही नुकसान हो चाहे कितना ही फायदा हो इसका अभ्यास बंद कर देंगे इसकी बातचीत बंद कर देंगे इसका जिक्र बंद कर देंगे तो ये बच्चों में ट्रांसफर नहीं होगी और जब ये बच्चों में ट्रांसफर नहीं होगी ये जब बच्चों में नहीं जाएगी तो उनके बच्चों में भी नहीं जाएगी जैसे ये हमको दी है वैसे ही हम इसको वापस कर देंगे तो ये खत्म हो जाएगी कोई कुछ भी कहता रहे पर संघ के अंदर जात की प्रैक्टिस नहीं हो सकती या तो संघी को जाना पड़ेगा और या उसको प्रैक्टिस बंद करनी पड़ेगी दोनों में से एक काम करना पड़ेगा इसलिए यहां जो लोग आते हैं उनसे कभी भी ये नहीं पूछा जाता आपका जात क्या था उनसे सिर्फ तो ये पूछा जाता है कि आप समण हो या हो बस इतना पूछा जाता है कि समण हो कभी किसी से नहीं और बताता तो कोई बताता भी है तो उसको समर संगी इतने समझदार हो गए हैं कि कोई बताता भी है तो उसको रोक देते हैं मैंने देखा कई बार समर संगी इतने जागरूक हो गए हैं कि अगर जात की बात करता है तो उसको कह देते हैं यहां मत कर भाई अपने घर जाके करना या मीटिंग तो से बाहर करना या संगति से बाहर करना यहां नहीं करना तू अब तू फक्र से बताता होगा इस जहर को इस गाली को पर हम सुनने को तैयार नहीं है हमारे कान सुनने को तैयार नहीं है हमें तो ना ये सुनना है ना ये देखना है ना बोलना है ना प्रैक्टिस करनी है ना अभ्यास करनी है हमें कुछ नहीं करना इसका ये हमारे लिए जैसे बाबा साहब ने कहा था कि मन से आती है और मन से जाती है हमने इसको मन से निकाल दिया बहुत कोई चालाक आदमी होगा बहुत कोई विद्वान होगा बहुत कोई समर संघ का विरोधी होगा बहुत कोई विद्वान हो गए ये सोचेगा कि मैं समर संगी को नीचा दिखाऊं तो कहेगा क्या जाति के आधार पर नौकरी नहीं लोगे क्या जाति के आधार पर एम पी एल एम नहीं बनोगे तो उसको ये कह सकते हैं कि ये अधिकार जो हमें मिला है उत्पीड़न के बाद में ये अधिकार हमारे बाबा साहब ने दिलाया है पर बाबा साहब की मजबूरी थी कि बाबा साहब तो कास्ट को खत्म कर चले थे पर उन लोगों ने बाबा साहब के लाए हुए अधिकार को खत्म करने के लिए एक आदमी को भूकतल में बैठा दिया बाबा साहब पे दबाव डाला बाबा साहब से कहा कि तुम्हारे लोगों को मारा जाएगा बाबा साहब ने हम लोगों को बचाने के लिए वहां समझौता किया उस समझौते की आड़ में उन्होंने बड़ी चालाकी से यह कहा कि तुम्हारे लोगों को डॉक्टर अंबेडकर हम नौकरी देंगे और एम पी का टिकट देंगे पर उसको कास्ट सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा तब मजबूरी में ये कास्ट सर्टिफिकेट बनने शुरू हुए क्योंकि इनसे लाभ उससे पहले कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता था क्योंकि कोई फायदा नहीं होता था तो कास्ट सर्टिफिकेट होता भी नहीं था पर बाबा साहब ने कभी ये नहीं कहा कि भाई तुम इसको जब कास्ट सर्टिफिकेट बनवाओगे तो इसकी प्रैक्टिस करना अगर वो ऐसा कह के जाते तो एनिलेसन कास्ट नहीं लिखते और अगर वो ऐसा कह के जाते तो हमको बुद्धन स्वर्ण गच्छामी कहने के लिए कभी नहीं कहते क्योंकि बुद्धन स्वर्ण गच्छामी कहते ही कास्ट खत्म हो जाती है धमो में जाने के बाद कास्ट खत्म हो जाती है और संघ में तो कास्ट कभी होती नहीं है इसलिए हम संघम नमामि बोलते है, हैं संघन स्वर्ण गच्छम बोलते हैं क्योंकि वहां कास्ट सिस्टम हाई नहीं वहां दम तोड़ देता है इसलिए जो फायदा मिला है उस फायदे को छोड़ना नहीं है पर प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करनी है क्योंकि फायदा है वो लिखित में मिलेगा प्रैक्टिस मन से होनी है तो जो मन से होनी है वो हमारे हाथ में है उसका हमें कहीं कोई पैसा वैसा देना है नहीं इसलिए ये रूल नंबर जो तीन है इसको अच्छी तरह से समझ लें अच्छी तरह से जान लें कि हमको कास्ट का किसी भी हालत में प्रैक्टिस क्यों नहीं करनी है कास्ट की प्रैक्टिस करते ही आपके संगी होने का जो स्टेटस है जो संगी होने की बात है जो समर संगी होने की बात है वो खत्म हो जाएगी जिन लोगों ने धर्म भी परिवर्तित कर लिए चाहे वो ईसाई बन गए चाहे मुसलमान बन गए चालाक लोगों ने उनके पीछे कास्ट भेजती उनके धर्म परिवर्तित होने का मतलब ही खत्म हो गया यानी कि मुसलमान हुए तो कुरान में कोई जात नहीं है पर जब मुसलमान हो गए और जात लेके आए तो काय के मुसलमान फिर मुसलमान नहीं भाई फिर तो वो वही रहे जो थे वैसे ही ईसाई लोगों ने जो ईसाई लोग थे वो ईसाई से बदले यहाँ के लोग और उन्होंने अपनी कास्ट खत्म करनी चाहिए पर कास्ट साथ गई तो काय के ईसाई बने बाइबल में तो कास्ट है नहीं इसलिए चालाक लोग कास्ट को कभी जानने नहीं देते वो कोशिश करते हैं कि काश 24 घंटे इनके साथ चिपकी रहे पर समर संघ में बिल्कुल काश नहीं आएगी अब और जब तक समर संघ पहले था तब तक भी और बाद तक भी नहीं आएगी ये हमारे लिए जहर है और जहर हमें किसी भी हालत में नहीं लेना है अपना जहर अपने पास रहो पियो खाओ मौज करो हमें कोई लेन नहीं है धन्यवाद संग नमामि आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धमकी वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो, तो आपको लिबर्टी है आपको छूट है ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं आप अपने फेसबुक पे अपने पेज पे अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएँ क्योंकि धम्म सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पर कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूंजी आपकी है धन्यवाद So...